हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का जॉब जंक्शन में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनएमडीसी में आई वैकेंसीज के बारे में, जिसमें आपको पता चलेगा पोस्ट का नाम, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी के बारे में जानकारी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोस लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। बात करते हैं एनएमडीसी में वैकेंसीज के बारे में। तो जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि एनएमडीसी में ये वैकेंसीज निकला हुआ है, और ये वैकेंसी आपका दिया हुआ है अप्रेंटिसशिप के लिए। तो ये जो इसमें अप्रेंटिसशिप के लिए जो आया हुआ है, इसमें कौन कौन सा ट्रेड है, तो उस ट्रेड को जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर ये कहाँ पर आया है। तो ये आया हुआ है एनएमडीसी लिमिटेड में, और ये आया है दंतेवाड़ा में, बचेली में ये पोस्ट आया हुआ है दंतेवाड़ा में। तो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो इसी के अंडर में होगी। अब बात करते हैं कि कौन कौन सा ट्रेड है। तो इसमें जो ट्रेड की बात करें तो ये है आपका मैकेनिक, डीजल, फीटर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, ऑटो इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिस्ट, ये सभी के सभी इसमें ट्रेड यहाँ पर दिया गया है। ब्लास्टर, माइनिंग मेट, ये सारे ट्रेड। अब बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशन क्या है। तो जैसा कि आपको सभी में दिखाई दे रहा होगा कि सभी में ये है कि आईटीआई किया होना जरूरी है, और आईटीआई जो होगा आपका वो एनसीवीटी के द्वारा होना चाहिए। जो नेशनल लेवल का जो कोर्स होता है वो आपका किया होना इसमें जरूरी रखा गया। साथ ही साथ केमिकल लैब असिस्टेंट के लिए बीएससी होना जरूरी है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के साथ, और मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए 12th होना जरूरी है। इसके साथ साथ ये आपको दिखाई दे रहा होगा माइनिंग मेट के लिए 10, और साथ ही साथ 10+2, तो ये इसमें क्वालिफिकेशन दिया गया है। एज लिमिट की बात करूं तो इसमें मैक्सिमम एज जो है, मैक्सिमम एज वो है 25 ईयर्स। इसके साथ साथ जो इसमें अप्लाई करने का तरीका है, तो आपको ये यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि अप्लाई करने के लिए आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा वॉक इन इंटरव्यू है, तो आपको वहीं पर जाकर आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। लेकिन आप इसके वेबसाइट को भी जरूर सर्च कीजिएगा ताकि आपको ये पता चले कि क्या उसमें क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अब बात करते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। सो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स जो रहेंगे उसके अकॉर्डिंग एक शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपको, और शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, और इंटरव्यू लेने के बाद आपका सिलेक्शन इस पोस्ट पर कर दिया जाएगा। अगर मैं स्टेप्स की बात करूँ कि आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं इस जॉब को लेने के लिए, तो आप सबसे पहले क्या करें, अपने सारे सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी करवा लें, उसे आप फॉर्म फिल करें। फॉर्म फिल करने के बाद उन सारे सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी विद ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट में आप जरूर जो मूल निवासी सर्टिफिकेट और जो कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है, यानी जाति जाति निवास प्रमाण पत्र, ये सभी आप जो है लेकर जरूर जाए। ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर जरूर जाना है वहां पर, क्योंकि अगर सिलेक्शन होता है तो तुरंत वो लोग वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर करते हैं और फिर उन लोग इंटरव्यू लेते हैं, तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और इसमें डेट की बात करूं कि कब कब इसका जो डेट है, तो देखिए आपको यहां पर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि अलग अलग डेट्स यहां पर दिया गया है। जैसे मैकेनिक डीजल के लिए जो डेट है वॉक इन इंटरव्यू का, वो है 25 अगस्त, और ऐसे ही पूरे के पूरे 30 अगस्त, यानी 25 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में ये सारी के सारे पोस्ट के लिए इंटरव्यू रखा जाएगा। तो इसे देखिए, और अगर आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि ये मौका आपके से छूटा, मतलब छूट गया। तो इसीलिए इसको फॉलो कीजिए और इसे जरूर अटेंड कीजिए, ये आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। और अगर सिलेक्शन हो गया तो अच्छी बात है, और अगर नहीं हुआ तो एक एक्सपीरियंस होगा। अब इसमें स्टाइफंड कितना रहता है, सो एनएमडीसी जो है अपने अप्रेंटिस करने वाले लोगों को जो स्टाइफंड के रूप में 9,000 to 18,000 के बीच देता है पर मंथ, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ट्रेनिंग की ट्रेनिंग, साथ ही साथ स्टाइफंड भी आपको मिलेगा। तो देखिए इसे, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए साथ ही साथ हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी वीडियोस मिस ना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए, सेम नेम विद सेम लोगो। थैंक यू।